हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि अमन नैन। आज हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन लेने। जो हमारे पास पहले वॉशिंग मशीन थी IFB की, वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसने कपड़े सुखाना बंद कर दिया है, तो उसको एक्सचेंज करके हम दूसरी ले रहे हैं और बड़ा साइज़ भी लेंगे उसमें। मैं कह रही हैं कि LG की लेंगे और मैं कह रही हूँ कि IFB की लेंगे। और जो हमारी पहली मशीन थी वो भी काफ़ी अच्छी चली है, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है IFB की। LG की ज़्यादा मैंने देखी नहीं, IFB की चेक की है, उसकी रेटिंग भी अच्छी है। और देखते हैं कि कौन सी लेते हैं, आपको भी दिखाएंगे। वैसे तो हमारी पहले वाली मशीन भी ठीक चल रही थी, जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो वो थोड़ी सी पता नहीं उसे क्या हो गया, ख़राब हो गई, और उसके बाद से उसने कपड़े सुखाना कम कर। देखते हैं वो अच्छे एक्सचेंज में जाएगी क्या होता है। हमने काफ़ी यूज़ कर ली थी, 11 साल के आसपास हो गया था उसका टाइम। सीन थी IFB की, वो मतलब बहुत अच्छी चल रही थी, 6-7 साल बहुत अच्छी चली, क्योंकि जब मम्मी उसे यूज़ करती थी और फिर उसके बाद मैंने यूज़ करना शुरू किया। अब मैं 3-4 साल से मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा कपड़े डाल देती थी लालच में, तो वो इसलिए आवाज़ करने लगी और धीरे धीरे ख़राब हो गई। तो मम्मी तो बड़े अच्छे से चला रही थी, इसलिए ज़्यादा ओवरलोड कभी, फुली ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा ओवरलोड कभी नहीं करनी चाहिए, जितना उसका उसी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उसमें कपड़े डालने चाहिए। और अब हम पहुंच चुके हैं माया सेल्स पे। हम मोस्टली इलेक्ट्रिक का सामान यहीं से लेते हैं। वॉशिंग मशीन हमने ले ली है और अब जा रहे हैं हम घर, और घर जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने कौन सी ली है, और अभी वो आएंगे और इंस्टॉल करके जाएंगे और डेमो देके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हमने कौन सी ली है। जब हम घर से निकले थे तो हमारा प्लान था कि हम LG या IFB में से ही लेंगे, लेकिन वहाँ पर शॉप पे जाने के बाद हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया और हमने दूसरी कंपनी में ली है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आपके पास भी है तो उस कंपनी में हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, और मैं भी ये वीडियो आपके साथ तभी शेयर करूँगी, उसे यूज़ करके दिखूँगी तो कैसे निकलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन्हें यहाँ पर वॉशिंग मशीन हमारी पहुँच चुकी है, और इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा रेनोवेशन का काम चल रहा है तो इसलिए सामान कुछ बिखरा हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए भी पहुँच चुके थे, जो भी इंस्टॉलेशन करना था इन्होंने। और ये है वॉशिंग मशीन का फ्रंट लुक, और ये है फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन। और जो इंस्टॉलेशन के लिए आए थे, हमने उन्हीं को बोल दिया था इसके स्टैंड के लिए, और हमने इसी कंपनी का स्टैंड लिया था जिस कंपनी की हमारी मशीन है। मशीन की कंपनी का आपको पता ही लग गया होगा। और अब यहाँ पर ये सेट करेंगे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, वॉशिंग मशीन के साइज़ के अकॉर्डिंग इसका स्टैंड का साइज़, और ये इसको अच्छे से मेजरमेंट करके इसके साइज़ के अकॉर्डिंग से सेट कर देंगे। और ये काफ़ी मजबूत साइज़ का ये स्टैंड, और यहाँ पर ये सेट हो ही चुका है स्टैंड। उसके बाद इसे इसके नीचे लगाया गया और इसको पीछे फिक्स कर देंगे। जैसे हमारी पहले वाली मशीन थी तो वो हिलती थी तो एक जगह से दूसरी जगह पर भी चली जाती थी, लेकिन ये इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं है, ये जहाँ पर फिक्स रहेगी वहीं पर रहेगी। क्योंकि इसका ये भी है एक मशीन का फ़ायदा, इसमें हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये चल भी रही है, तो ये कोई भी इसकी में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती और एक ही जगह पर रहती है। यहाँ पर ये चेक किया जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें बड़ा प्लग लगता है, क्योंकि इसमें जैसे गीजर चलता है तो इसमें बड़े प्लग की जरूरत रहती है। और इसके बाद ये मशीन को ऑन कर दिया गया है।
यहाँ पर ये डेमो दे रहे हैं और मशीन को ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसमें बताया है कि हमें जो भी डिटर्जेंट या लिक्विड डालना है या भी पाउडर डालना है, इसमें हमने साइड में डालना है और बीच वाले में हमने नील डालना है और साइड वाला हमें खाली रखना है। इसमें हमें ज़्यादातर तो लिक्विड ही यूज़ करना है, पाउडर कम यूज़ करना है, जो भी हम इस कंपनी में या फिर दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें इसमें बताया गया है कि कपड़े कितने डालने हैं, कितना इसे खाली रखना है। जैसे एक हिस्सा खाली रखना है, दो हिस्से में हमने इसमें कपड़े डालने हैं, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। और उसके बाद जो ये बीच में आपको बटन दिख रहा है राउंड वाला, उसके बारे में बता रहे हैं। जो ये आप बीच वाला बटन देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। जैसे सबसे पहले इसमें कॉटन्स और सिंथेटिक्स, मिक्स लॉर्ड, डेलिकेट सिल्क, वूल, और अगर हमने कपड़े हाथ से धोए हैं, हम सिर्फ स्पिन करना चाहते हैं, सिर्फ सुखाने हैं, तो हम वो भी सुखा सकते हैं अलग से, 10 मिनट लगते हैं उसमें। और स्पोर्ट्स वेयर कपड़े, जींस, डार्क कपड़े होते हैं जो, और जो मेडिकल के कपड़े हैं किड्स, और इसमें ये भी एक फीचर्स था फ्रेशन अप का, जो भी जैसे बारिश के मौसम में कपड़ों में स्मेल आ जाती है, तो हम वहाँ पर अगर चलाते हैं तो वो स्मेल उसमें से निकल जाती है। और जो भी हमें क्विक वॉश करने हैं 15 से 30 मिनट में, वो भी सब इसमें। ऐसे भी कुछ फीचर्स है, जैसे धूल मिट्टी के कपड़े हैं तो हमें 30 मिनट में जल्दी धोने हैं, तो हमें उन्हें 15 या 30 मिनट में धो सकते हैं। स्पिन स्पीड इसमें 1200 मैक्सिमम है और 400 मिनिमम है, तो इसमें हमने जैसे 8 से 10 हम रख सकते हैं, जैसे कपड़ों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए। और उसके बाद है इसमें डिले स्टार्ट, जैसे हम रातों कपड़े डालते हैं और चाहते हैं कि वो सुबह धुलें, जैसे इसमें टाइम लग जाता है 3 घंटे 4 घंटे, जो भी हम सेट करना चाहें वो अब इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और उसके बाद है इसमें स्पीड, इसमें ये स्पीड है कपड़े धोने की स्पीड, हमने 1 घंटा लगाना है, कम या ज़्यादा करना है, जैसे कॉटन पे 1 घंटा भी आ जाता है, 3 घंटे भी आ जाते हैं, मिक्स लोड में 45 मिनट्स होता है। और तो इसमें हमने गीजर का टेम्परेचर भी कपड़ों के अकॉर्डिंग रखना है, कितना हमें गर्म या ठंडा पानी चाहिए हमें उसी तरह से सेट। इसके बाद है एंटी रिंकल्स है, इसमें जैसे कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती है, तो हम इसमें एंटी रिंकल्स का अगर बटन प्रेस करते हैं तो उसमें सिलवटें वगैरह कुछ नहीं आएगी। और उसके बाद है एंटी टैंगल, और उसके बाद है इसमें स्टार्ट का बटन, तो वो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 5 स्टार है, तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम है, इसमें है 0.070 जो कि पर सर्कल के हिसाब से है, और उसी तरह वाटर कंजप्शन भी है, वाटर में ये ले रही है पर सर्कल में 8.5 kg, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पानी भी ये कम लेती है। और अगर हम कब कपड़े धोना चाहते हैं, तो जैसे 2 या 3 कपड़े हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग पानी लेगी, ये पूरे उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा कपड़ों के अकॉर्डिंग पानी नहीं लेगी, कम कपड़ों के हिसाब से ही ये पानी लेगी, जी 2 या 3 कपड़े हैं उसी हिसाब से। और इसमें साथ में साइड में वाटर फिल्टर भी लगा हुआ है। और ये 8 kg की वॉशिंग मशीन है, बॉश कंपनी की है। तो मैंने ये आपसे वीडियो शेयर इसका रिव्यू दिया है, क्योंकि ये मैंने पहले यूज़ की है, उसके बाद ही मैंने इसका रिव्यू दिया है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं कोई भी वॉशिंग मशीन, तो आप डेफिनेटली ले लीजिए, अच्छी वॉशिंग मशीन है, अच्छे से कपड़े धोती है, अच्छे से केयर होती है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं मेन तो इसमें ये। और ये हमने टॉप मॉडल यहाँ पर हमने लिया है, तो काफ़ी अच्छी निकली। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज इसमें ये रहेगी कुछ, जैसे हम खुद भी किसे क्लीन कर सकते हैं, जैसे 2 महीने के बाद इसमें हम वॉशिंग पाउडर या लिक्विड डाल के छोड़ देंगे और इसमें कुछ भी कपड़ा नहीं डालना है, तो ये खुद अपने आप को गर्म पानी से अंदर से क्लीन कर लेगी, जो भी इसमें ब्लॉक हो गए बटन वगैरह, जो भी इसमें छेद वगैरह बंद हो गए होंगे, तो वो क्लियर हो जाएंगे। और जो कंपनी की तरफ से भी करवानी है, जो हमने 3 से 6 महीने में बीच बीच में सर्विस करवानी है, जो कंपनी वाले खुद करते हैं, वो इसके लिए मतलब फ्री सर्विस भी होती है। स्टार्टिंग में वो कुछ सामान जो भी डालते हैं पाउडर वगैरह, वो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो हमने 3 से 6 महीने में बीच बीच में इसकी सर्विसेज भी करवानी है। जो हमें ईज़िली मिल जाएंगे, जैसे कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं। और यहाँ पर
और यहाँ पर कुछ ये नीचे से जो भी इसमें हमारा सामान चला जाता है वो सब यहाँ नीचे आकर इकट्ठा हो जाता है, तो ये हमने हफ्ते में एक दो बार क्लीन करना है, जो इसमें होगा वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद इसका डेमो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट, और अब यहाँ पर लगाया जा रहा है इस पर कवर, और ये भी हमने बोस कंपनी का ही लिया था। उसके बाद उन्होंने जो अपनी फॉर्मेलिटी की और कंपनी की तरफ से भी को लाया डेमो के लिए पूरा हुआ है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।